हिंदू बाचाबो संविधान बाचाबो आर बोलबो आमियो बोले छी राष्ट्रवादी मुस्लिम अपनाराओ बोले छेन सबका साथ सबका विकास आर बोलबो ना बोलबो जो हमारी साथ हम उनका साथ जो हमारी साथ हम उनका साथ सबका साथ सबका विकास बंद करो। ये जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है सबका साथ सबका विकास बंद करो, उसके बाद उनकी क्लैरिफिकेशन एक्स पर आई, उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं कहा था, मैं अभी भी उसमें विश्वास रखता हूं कि सबका साथ सबका विकास, अब ये पता है उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। लेकिन जो उन्होंने कहा है विष्णु जी, जो उन्होंने कहा है अंदर खाने बहुत से लोग इस पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये क्या हकीकत नहीं है? क्या ऐसा सोचा जा रहा है? बहुत से आप भी ऐसे डिस्कशंस का हिस्सा होते हैं जिसमें ये मंथन होता है। विष्णु जी देखिए सुचेता जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ। और हिस्टोरिकल फैक्ट इस देश का ये है कि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। मैं किताब को कोट करना चाहता हूँ, अम्बेडकर थॉट ऑन पाकिस्तान, मैंने उसको काफी डिटेल में पढ़ा और मैं चाहूंगा कि सारे पैनलिस्ट उसको पढ़ें। उसमें जो अंबेडकर साहब ने चिंता जताई थी, मुझे लगता है कि आज हम लोग उसी स्टेज पे खड़े हुए हैं जो पार्टीशन के दौरान था, और उसी तरह से वही समस्या चल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक समाज का एक वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी जिसकी जिसकी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो इस मानसिकता से इस देश में अगर काम हो रहा है तो ये बहुत ही ड्रैकोनियन है, और देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, जो देश की अस्मिता है, जो संविधान की मूल मंशा है, उसके खिलाफ है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ और कोट कर रहा हूँ, 2005 5 SCC पेज 688, इसका पैराग्राफ नंबर 16, मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता जो उस समय के होम मिनिस्टर थे भारत के, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था 6 मई 1997 को, और बयान क्या था कि 10 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स इस समय भारत में घुस चुके हैं, और उन्होंने अलग अलग आंकड़ा दिया था, वेस्ट बंगाल में 5.4 मिलियन, आसाम में 4 मिलियन, त्रिपुरा में 0.8 मिलियन, बिहार में 0.5 मिलियन, महाराष्ट्र में 0.5 मिलियन, राजस्थान में 0.5 मिलियन, दिल्ली में 0.3 मिलियन, टोटल ऑफ 10.83 मिलियन, और कम्युनिटी वाइज आंकड़ा भी दिया था। इसके बाद यह भी कहा था, इन द केस ऑफ मुस्लिम्स द आसाम ग्रोथ रेट वॉज मच हायर देन ऑल इंडिया रेट, मतलब आसाम में भारत के परिपेक्ष में बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट है। This suggests continued large scale Muslim illegal immigration into Assam. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस समय के होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था। और अगर मैं यही बात मैंने यहाँ पे कही है सुचेता जी, कि आज हमने देखा अभी चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अभिराम सिंह के केस में एक डायरेक्ट जजमेंट दिया था कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगना गलत है। हाँ। और हमने क्या देखा, पीडीए बना के, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक बना के धर्म के नाम पे वोट मांगा गया, जो सेक्शन 123 सब क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का वायलेशन है। तो यहाँ पे सवाल यही उठ रहा है कि अगर यहाँ पे इस तरह से माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होगी, हाँ। तो चाहे विष्णु शंकर जैन हो, चाहे यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हो, इस तरह की ये जो आग जनरेट की जा रही पॉलिटिकल माध्यम से, इसका असर हमारी पॉलिसी पे भी पड़ेगा, इसका असर हमारे संविधान निर्माताओं पे, कानून बनाने वालों पे पड़ेगा, और सारे इंस्टीट्यूशंस पे पड़ेगा। मैं एक बार प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि जब हिमंता बिस्व शर्मा डेमोग्राफी की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि बाकी जैसे राज्य सरकार है, झारखंड है, वहां पर क्यों नहीं उनको चिंता होती, मुझे चिंता होती है, वो क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है तो सब लोग मुंह सिल लेते हैं, तब उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। क्या इस देश को पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत नहीं है? क्योंकि वो एक हल हो सकता है इस तरह की समस्याओं के लिए। मैं शुभेंदु अधिकारी के बयान पर भी जाऊंगी, लेकिन पहले उस पर आपसे पूछ लेती हूँ, बाकी राज्य सरकारों को क्यों चिंता नहीं है? अगर हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, औरों की बढ़ रही है, हिंदू घट रहा है, हम तो कहते हैं ना शुरू से हिंदू एक संस्कृति है, वो इसी देश में है, और कहां पर रहेगी? देखिए प्रश्न है कि क्या हिमंता बिस्व शर्मा को वाकई चिंता है? प्रश्न यही है कि सरकार उनकी चल रही है, दूसरी बार की सरकार चल रही है, और इस दौरान वो कह रहे हैं कि 40% मुसलमान हो गए और इमिग्रेशन के कारण हो गए, तो ये इमिग्रेशन उनके रहते हुए हुआ ना भाई। आप देखिए 2011 की जनसंख्या जब जनगणना हुई तब कितने थे मुसलमान,
और आज वो कितना बता रहे हैं, लगभग 8% का फर्क बता रहे हैं। तो ये 8% मुसलमान इस तो उनके ही शासन के दौरान बढ़े ना, जो घुसपैठिए के रूप में बढ़े। आपने किया क्या? आपने CAA NRC की बात की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा विरोध असम में हुआ, चूँकि हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी घुसपैठिए के तौर पर चिन्हित हो गई और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जब नेशनल रजिस्टर जब तो बांग्लादेशी घुसपैठिए जब देश में घुसे, आप कह रहे हैं हिमंता बिस्व शर्मा की देन है वो, वो आप ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में हुआ है। मैं तो कह रहा हूं कि 8% का जो इंक्रीज दिख रहा है ये हिमंता बिस्व शर्मा के कार्यकाल का दिख रहा है ना। हम तो 2011 से सुनिए ना बात, 2011 से ऑनवर्ड बात कर रहे हैं, 2011 से ये 2024 आया, उसके बाद तो कोई जनगणना नहीं हुई ना। तो आप कह रहे हैं कि 40% हो गए ये मुसलमान वहां पर, कौन सा आंकड़ा है, कहाँ से लाए आप ये आंकड़ा? अगर आप 40% कर गए तो इसका मतलब है कि 34% तो कुछ साल पहले था, तो ये 6% का, लेकिन थोड़ा सा और हम जाते हैं 2011 की जनगणना में तो लगभग 8% का डिफरेंस। तो वही हाल झारखंड में भी है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं चिंता जता रहा हूँ, वहाँ के लोग चिंता नहीं जताते, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आपके राज्य में ये अवैध घुसपैठिए आए हैं और शासन केंद्र में बीजेपी के शासन, असम में बीजेपी का शासन, फिर भी कैसे आ रहा है? कैसे आ रहे हैं ये घुसपैठिया? कौन सी चिंता है? ये ढोंग है, ये हिंदू मुसलमान है। एक आदमी कह रहा है हिंदू इस तरह से हिंदू मुसलमान, और दूसरा नेता बंगाल में कह रहा है कि हाँ जो मेरा साथ हम उसका साथ। अरे जनता बोलेगी जो मेरे साथ हम उसके साथ, और जब जनता बोलेगी ना जो हमारे साथ हम उसके साथ, कहीं के नहीं रह जाओगे तुम, कहीं के नहीं रह जाओगे, ये बात समझ लीजिए। विष्णु जी बोलना चाह रहे हैं, विष्णु जी बोलिए। आप अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, बोलिए विष्णु जी। पार्टी सबका साथ सबका विकास के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई नहीं है इसको चैलेंज करने वाला, कोई है जो मेरी बात सुनिए? ठीक है विष्णु जी। सुचरिता जी देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और मैं आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रख रहा हूँ। ये इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, तो उसमें एक आंकड़ा दिया था, जरा उसको अप्रिशिएट करिए। 1951 से 1961 तक हिंदू असम में 33.71% थे और मुस्लिम असम में 38.35% थे। असम में 1961 से 1971 के बीच में हिंदू 37.17% थे, मुस्लिम 30.99% थे, और 1971 से 1991 के बीच में हिंदू असम में 41.89% थे और मुस्लिम 77.42% हो गए। ये अभी की बात नहीं है सर, ये 1971 से 1991 के बीच में हुआ है। इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट के पटल पे स्टेटमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये रिकॉर्डेड है पैराग्राफ 16 में, प्लीज इसको पढ़ लीजिए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ सुचरिता जी, ये बहुत ही एक मिनट, किसने रोका जी, भी इंतजार कर रहे हैं, मैं एक मिनट। विश्वास शर्मा और नरेंद्र मोदी सरकार की क्या जिम्मेदारी है? केवल हल्ला करना, केवल हिंदू मुसलमान करना, रोका क्या आपने घुसपैठ को? देखिए सुचरिता जी, मैं आंकड़े से बात कर रहा हूँ, मैं इनको 71 से 91 के आंकड़े दिखा रहा हूँ, उस बीच में ये ग्रोथ रेट हुई है, 91 से 91 के बीच में ग्रोथ रेट हुई है। अगर ये एफिडेविट नहीं सुनना चाहते हैं जो मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा है, वो नहीं सुनना चाहते हैं, उसमें कोई की मदद नहीं कर सकता सर। एक मिनट, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है। अच्छा प्रेम कुमार जी, बहुत गुस्सा है आपका, वो गुस्सा आपका दिख रहा है।